सैमसंग गलेक्सी M30S गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है सैमसंग जो है अपने इस फोन पे काम चालू कर चुका है, सबको पता है, और गिनबैंग में कंफर्म भी हो चुका है कि ये फोन आ रहा है M30S। और इस फोन में इसी के बारे में बात करने वाली है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इंडिया में कब आ रहा है और क्या लॉन्च डेट, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, तो थोड़ा पूरा देखिएगा। जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए दिन में दो दो लाते रहता हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है सैमसंग जो है यहाँ पे अपनी भाई एस सीरीज पे काम करना चालू कर दिया, मतलब वो अली एस नहीं, सैमसंग गलेक्सी A50S A20S A30S A70S अब M30S, तो ऐसी एस सीरीज पे वो काम चालू कर चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो फोन होने वाला है बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन और M40 से बेटर फोन होगा, मतलब प्राइस वाइज कम का होगा बट इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन होगा। M40 तो बिल्कुल भी बढ़िया फोन नहीं था, बट ये जो फोन है गाइस यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने मिलेंगी। सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो गाइस इसका जो फोन का प्राइस होगा ये 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आने वाला है। हाँ गाइस, ये M40 और M30 के बीच में आने वाला है, तो इसका प्राइस भी 16-17 हज़ार रुपये हो सकता है इसका बेस रेंट, तो इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। लॉन्च डेट की मैं बात करता हूँ, लॉन्च डेट जो है इस फोन की गई जुलाई के एंड बताई जा रही है कि जुलाई में तक ये फोन लॉन्च हो सकता है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जो एक महीना बचा है, तो आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, तो अगस्त में मिल जाएगा ये फोन आपको इंडिया के अंदर, ये दोनों में कोई ना कोई में आपको मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन में आ जाता हूँ फाइनली, तो यहाँ पे गई जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही बढ़िया है। डिज़ाइन की बात करता हूँ, डिज़ाइन तो हमें गई वही पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन मिलेगा, सैमसंग की ब्रांडिंग होगी, डिज़ाइन में कोई फर्क नहीं होने वाला है। डिस्प्ले में आता हूँ, यहाँ पे गाइस हमें मिलने वाला है कि 6.4 इंच का एक फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले, जो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, कहीं कहीं बोल रहे हैं पंच होल, कहीं कहीं बोल रहे हैं इन्फिनिटी यू नॉच, बट मेरे हिसाब से जो है वो इन्फिनिटी यू नॉच हो तो ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, बट पंच होल भी हो तो अच्छा है। बट हाँ, अब हम एक उसमें लेते हैं तो 6.4 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले एमोलेड पैनल होगा, इन्फिनिटी यू नॉच के साथ आपको देखने मिल जाएगा। तो थिंक डिस्प्ले वाइज ये फोन बहुत ही लाजवाब है, इन्फिनिटी यू नॉच या पंच होल आप मुझे कमेंट कर बताना आपको क्या लगता है। प्रोसेसर में आता हूँ, प्रोसेसर गाइस इसमें हमें प्रोसेसर में मिलने वाला है एक्सिनोस का 9610 का प्रोसेसर, जो एक अच्छा चिपसेट है, हैवी टास्किंग गेम खेल सकता है, हैवी टास्किंग एप्स लोड कर सकता है आराम से, बट यार 675 जैसा नहीं है, मगर आपको वैसी आपको स्पीड मिल सकती है इस फोन में, बट वैसा 675 जैसे कंपेयर आप नहीं कर सकते, तो प्रोसेसर भी ठीक ठाक फोन आपको देखने मिल जाएगा, ये कंफर्म बात हो चुकी है। कैमराज में आ जाते हैं, ट्रिपल रियर कैमरा देखने मिलने वाले इस फोन में, 32 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी सेंसर मिलेगा, देन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा, तो आई थिंक रियर वाइज भी बहुत ही बढ़िया कैमरा आपको दिया जा रहा है। सेल्फी में बात करता हूँ, सेल्फी बोला जा रहा है इसमें जो पंच होल या इन्फिनिटी यू नॉच, जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का एक पंच होल के साथ सेल्फी देखने मिल सकती है, जो आई थिंक डेफिनेटली बढ़िया बात है, एंड 32 मेगापिक्सल होता है तो डेफिनेटली अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इस बार M40 में भी डिसपॉइंट हुए थे 16 मेगापिक्सल, बट इसमें अच्छा कैमरा आपको देखने मिल जाएगा। बैटरी में आता हूँ, और हाँ मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये लीक्स के मुताबिक बता रहा हूँ, ये कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, सब मुझसे बोलेंगे कह रहे हैं M30 ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो ये आपको लीक्स के मुताबिक पता चल रहा है। प्राइस मतलब बैटरी में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं गई मिलने वाली 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी के साथ आएगा, और फास्ट चार्जिंग 18 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जर भी देखने इस फोन में मिलेगा, तो डेफिनेटली ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। बैटरी बड़ी यूज बैटरी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है और टाइप सी भी दी गई है, और जल्दी फोन चार्ज भी हो जाएगा, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देगा, सैमसंग ऐसे नहीं करता चाउमी जैसा, तो ये अच्छा ही काम है। UI अगर बात करता हूँ, एंड्रॉइड नाइन आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, 1 UI के साथ रन करेगा, जो सैमसंग में बेस्ट UI है, बेस्ट UI। एंड गाइस ये है पूरा सैमसंग गैलेक्सी M30S, डेफिनेटली इंडियन मार्केट में जैसे ये जो स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, इस प्राइस के साथ आता है, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट को गाइस ये इंडिया मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम कर सकता है और अच्छा फोन बन सकता है। अब लेट्स सी प्राइस, बस यहाँ पे सैमसंग अच्छी कर दे, बिकॉज M40 की प्राइस जैसे नहीं हो जाए, तो बस गाइस इस फोन में बस इतना ही मैंने बता दिया आपको। सैमसंग गैलेक्सी M30S एक बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है, एंड मैं तो बोलूँगा M30 बहुत ही बढ़िया था, अब M30S देखते हैं कैसा होगा। M30 कहीं कहीं जैसे आपको पता है कुछ खा गड़बड़ था उसमें, जैसे कि प्रोसेसर थोड़ा बहुत ही वीक दे दिया था, बट M30S नहीं है वैसा, इसमें बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर भी होगा, प्राइस भी अच्छा होने वाला है। लेट्स सी, पूरी एक्सपेक्टेशन है ये अच्छा फ़ोन आए, अब वो पूरी हमारी एक्सपेक्टेशन सैमसंग के ऊपर है, सैमसंग क्या करता है। तो बस गाइस वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को